पिछले काफी वक्त से ऑल इज नॉट वेल बिटवीन शमिता शेट्टी एंड राकेश बापट। हालांकि ये दोनों साथ में स्पॉट हुए हैं, अपने ब्रेकअप की खबरों के बाद भी ये दोनों साथ में कई बार स्पॉट हुए दिखे हैं, एक दूसरे को अभी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक कर रहे हैं। लेकिन पिछले काफी वक्त से शमिता ने एक तरीके से हिंट दे दिया है कि शायद वो राकेश के साथ इस वक्त काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन को सफर कर रहे हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू सिनेस्पीक्स, मैं ज्योति नाहक। अगर आपने अब तक मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर, और अगर आप चाहते हैं तो जाकर कर सकते हैं @ज्योति नाहक7 पर। अब सबको बता दूं कि इस वक्त राकेश बापट जो है वो अपने होम टाउन में है, जी हाँ पुणे में है, और पुणे में बिना शमिता शेट्टी के किस तरीके से अपना वक्त बिता रहे हैं वो तो आपको दिखाऊंगी ही। लेकिन उसी के साथ साथ जो सबसे खास बात है वो ये है कि राकेश बापट लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है, और उसके बावजूद भी मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले तो किस तरीके से वो इस वक्त अपने घर पर हैं। जी हाँ, यहाँ एक पोस्ट उन्होंने शेयर किया है कि वो घर जैसी पहुंचे हैं, किसने उनका वेलकम किया है, उनके डॉग ने। और उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ये वीडियो उन्होंने जैसे ही शेयर किया उसके बाद कहीं ना कहीं फैंस इस बात को समझ गए कि राकेश जो है वो अपने घर पर है। उसी के साथ साथ अपनी कैट के साथ भी उन्होंने एक तस्वीर शेयर की, ये आप देख सकते हैं। अभी इन दोनों ही पोस्ट पर शमिता शेट्टी ने लाइक नहीं किया है, अक्सर ऐसा नहीं होता है। काफी वक्त हो चुका है इन पोस्ट को आए हुए और अब तक शमिता ने इन पर लाइक नहीं किया है, लेकिन वहीं पर रिधि डोगरा जो है उन्होंने लाइक भी किया है और कमेंट भी किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिधि डोगरा का कमेंट है, यहाँ पर डॉरी उन्होंने लिखा है जो कि इस पेट का नाम है। और इस तस्वीर पर जैसे ही रिधि का कमेंट आया है, कई फैंस को ये लग रहा है कि क्या राकेश की वापस दोस्ती रिधि से हो गई है और शमिता से उनकी कोई बातचीत नहीं है। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट आपको क्या कुछ इस पर कहना है आप बताइए हमें कॉमेंट बॉक्स में।